देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र को बंधक बनाने का काम किया था। उक्त बातें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को मेहता प्रेक्षागृह मेडिकल कॉलेज परिसर में संगोष्ठी एवं लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा। लेकिन पुलिस ने रोका और उनको कई पिताजी को लाठियां लगी थी। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने न्यायपालिका के आदेश के विरोध में जाकर अपनी राजनीतिक मंशा को अमलीजामा पहनाने के लिए इस देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करते हुए आपातकाल का काला इतिहास रचने का काम किया। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा करने वाले लोकतंत्र सेनानियों ने इंदिरा गांधी के फैसले का विरोध करते हुए लाठियां खाई, जेल गए, संघर्ष किया, पर तानाशाह इंदिरा गांधी की हुकूमत आगे झुके नहीं। देखिए, आज 25 जून है और 25 जून 1975 को इस देश में कांग्रेस की उस समय की सरकार और कांग्रेस की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाने की घोषणा की गई थी और लोकतंत्र को पूरी तरह से बंधक बनाने का कार्य किया गया था और लोकतंत्र के इतिहास का यह दुर्भाग्यपूर्ण दिन था। आज उसकी याद ताजा करते हुए यहाँ पे लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया है और संकल्प लिया गया है कि हम अपने लोकतंत्र को कभी भी इस प्रकार की साजिश का शिकार नहीं होने देंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। और जो लोकतंत्र के चार महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, चाहे वह विधायिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका, चाहे पत्रकारिता, इन चारों को मजबूत बनाएंगे। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए गणेश केसरवानी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपनी राजनीतिक मंशा को पूर्ण करने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या करते हुए पूरे देश को जेल बना दिया, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। संगोष्ठी का संचालन कुंज बिहारी मिश्रा ने किया, समापन प्रेम नारायण केसरवानी ने किया।